हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। और हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इंटरनल सोर्सेस की और एक्सटर्नल सोर्सेस की। याद आ रही होगी आपको बात थोड़ी सी। वो हम एक मेन टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, रिक्रूटमेंट। और इसमें बेटा दो तरीके के सोर्सेज हैं, वन इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले बेटा मैंने इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पर बात की थी, याद है आपको? कुछ क्या होते हैं इंटरनल सोर्सेस? सोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टाफ रिक्वायर्ड है, जितनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ रिक्वायर्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो बेटा उसका प्रमोशन किया जा सकता है या उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। याद है आपको बात? एक टीचर है, 9th 10th SST पढ़ा रहे मेरे स्कूल में, मुझे 11th और 12th पढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए, 11th 12th पढ़ा सके इकोनॉमिक्स। मैं जो क्वालिफिकेशन सोच रहा हूँ उस टीचर की, वो 9th 10th के जो SST का टीचर है उसके अंदर है। मैं जो एक्सपीरियंस सोच रहा हूँ वो भी उसके अंदर है। तो मेरे दिमाग में जो क्वालिफिकेशन है, मेरे दिमाग में जो एक्सपीरियंस है, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पहले से ही अंदर अवेलेबल है। तो बाबू ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसी सोर्स का इस्तेमाल करूँ रिक्रूटमेंट के लिए, ना जाऊँ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो बाबू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरीके का था, वन इज प्रमोशन एंड अदर वन इज ट्रांसफर। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किसका ज्यादा है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रमोशन का, ट्रांसफर का। याद आ रही है बात? क्यों बेटा? प्रमोशन लीड्स टू इंक्रीज इन अथॉरिटी, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज इन पे पैकेजेस, इंक्रीज इन फैसिलिटीज। प्रमोशन से सब कुछ बढ़ जाता है, इंक्रीज इन रैंक, हर चीज बढ़ेगी प्रमोशन से। ट्रांसफर से कुछ भी नहीं। प्रमोशन रेफर टू एस वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, बस कुछ नहीं मतलब। पोजीशन रिमेन्स सेम, अथॉरिटी रिमेन्स सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स द सेम, फैसिलिटी रिमेन्स द सेम, पे पैकेजेस रिमेन्स द सेम। तो कहाँ से साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है आपका ज़्यादा? हमेशा वर्टिकल शिफ्टिंग का तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है जी? और वो उसके बाद हमने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ने शुरू कर दिए थे, 10 मेथड से होता है। कुछ की मैंने बात कर ली थी, सबसे पहले मैंने कैजुअल कॉलर की बात करी थी, फिर एड ऑन टेलीविजन, फिर बेटा हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर ली थी, प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट पे मैं था। प्लेसमेंट एजेंसी की मैं बात करके गया था और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुझे बता रहा था। नहीं तो देखना करते हैं चर्चा। वो एक बार याद कराओ बेटे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या था? इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑन, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, सरकार ऑन करती है, सरकार रेगुलेट करती है, ठीक है? वो ये कैसे काम करते हैं? इंटरमीडियरी की तरह, ब्रोकर की तरह काम करते हैं। याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था मैरिज ब्यूरो का? मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं? मेल्स का डेटा, फीमेल्स का डेटा और मैच मेकिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं करता। जॉब सीकर्स का डेटा, एम्प्लॉयर्स का डेटा और मैच में, और जहां मैच बैठ गया वैसे आ गया, दोनों तरफ से आ गया। एम्प्लॉयर से तो लमसम कुछ करोड़ से पहले ही दिन मांग लो साल के, कि चाहे आपके यहाँ पर 500 रुपये से निकले, चाहे 1,000, चाहे 10,000, सब हम फिल करेंगे। मैं तो इतने करोड़ रुपए चाहिए, और एम्प्लॉयर को कोई दर्द नहीं है। उसे पता है एक एक वैकेंसी के लिए अलग अलग ऐड करूंगा, अलग अलग खर्चा करूंगा, मेरे इतने ही पैसे लग जाएंगे। उससे बेटर किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बात करके रखें, ठीक है? और वो जॉब सीकर से फर्स्ट मंथ की सैलरी लिखा कहीं नहीं हुआ, पर मैं बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है, ठीक है? वो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और मैंने फिर चर्चा करी थी प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इसलिए मैंने प्लेसमेंट एजेंसी वाली बात बता दी थी। सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? बस ये प्राइवेट ऑन्ड है,
ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, काम दोनों का सेम है, दोनों मैच मेकिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ सबसे पैसा खाना है बस। ठीक है, मैंने आपको प्लेसमेंट एजेंसी का एग्जांपल भी दिया था बेटा, इनफैक्ट मेरे पास भी कॉल आ जाती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके यहाँ अकाउंटेंट भी होगा ना, भेज देते हैं, याद है मैंने बात की थी आपसे, कोई दिक्कत परेशानी तो है, आ गया था। चलो अब वो रिविजन खत्म हो गया हमारा, अब आपको आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट कंसल्टेंट में कौन आता है, जाते जाते नाम लिया था, कौन आता है बेटा, प्रोफेशनल बॉडीज नाम है, नाम सुने सबने इन प्रोफेशनल बॉडी के, बाबू कॉमर्स साइड के तीन रेप्यूटेड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीएस सीएस सीएमए, तीनों की प्रोफेशनल बॉडी लिखी हुई है। क्या बेटा ये भी जॉब दिलवाने का काम करते हैं? हाँ जी, आराम से समझना कैसे जॉब दिलवाते हैं, फिर कुछ बातें आपको बताऊंगा जो नोट्स में गलत है, एनसीईआरटी में गलत है। ठीक है जी, और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आई से आई के एंगल से कि ये जॉब कैसे दिलवाता है, थोड़ा सा ये समझना, आइडिया दे दो एक बार। देखो जब आप कल को किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो ना, तो आप ये देखते हो कि कितनी बड़ी कंपनी के साथ मेरे कॉलेज का, मेरी यूनिवर्सिटी का टाई अप है। आपको लगेगा ना यार जॉब की श्योरिटी भी तो चाहिए, मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, कितनी कंपनी के साथ टाई अप है। कोई बोलता है, कोई यूनिवर्सिटी बोलती है 300 बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है, कोई बोलता है 1000 कंपनी के साथ, कोई बोलता है 2000 कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, ऐसे ऐड करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज। पर मैं आपसे पूछूं, आईसीआई का कितनी कंपनी के साथ टाई अप है? इंडिया की सारी, क्योंकि आईसीआई इंडिया में सिर्फ एक है, इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। अरे समझने की भी जरूरत, समझो आईसीआई का कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है, कोई दूसरा आईसीआई थोड़ी है, कॉलेज तो एक नहीं दो, दो नहीं दस, यूनिवर्सिटी एक नहीं दो, दो नहीं दस, सब लड़ रहे हैं आपस में। आईसीआई किससे लड़ रहा है? सीएस तो एक ही बॉडी बनाती है, आईसीआई बनाती है, तो इंडिया की सारी कंपनी के साथ टाई अप है उसका। अब अब होता क्या है, हर 6 महीने में सीए का एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, मई में और नवंबर में एग्जाम होना है, रिजल्ट आ जाना है बेटा अगस्त में और जनवरी में सीए बनना है। ठीक है, ये कहानी, जैसे ही रिजल्ट आता है ना, जितने भी सीए पास हुए होते हैं, तो जो भी जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं, वो आईसीआई के पास अप्लाई करते हैं, जिन्हें जॉब करना। ठीक है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, मुझे जॉब दिलवाओ। आईसीआई क्या करती है, हर 6 महीने बाद रिजल्ट में जितने मैंने कहा जॉब अप्लाई, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ आपके पास, आईसीआई उन सबके मार्क्स ना फॉरवर्ड कर देती है उन कंपनीज को जिनके साथ इसका टाई अप है, यानी कि इंडिया की सारी बड़ी कंपनी को। ठीक है, वो मार्क्स के बेसिस पे ना शॉर्टलिस्ट करते हैं सीनियर्स को कि किन किन को वो रख सकते हैं। मान लो किसी कंपनी को चाहिए डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट, तो क्या करता है, बच्चे के नंबर डायरेक्ट टैक्सेस में देखते हैं, किसी को चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स का कंसल्टेंट, तो वो सीए के नंबर इनडायरेक्ट टैक्स में देखते हैं, फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स एक सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर है। किसी को चाहिए होता है ऑडिटर, तो ऑडिटर में मार्क्स देखता है, किसी को लीगल कंसल्टेंट चाहिए तो वो लॉ में नंबर देखता है, 8 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं फाइनल, सबके मार्क्स लिखे हुए हैं। कंपनी को जिस हिसाब से बनना चाहिए, सीए बहुत सारे काम कर लेता है, तो उस हिसाब से मार्क्स देख के शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, कंपनी ने शॉर्टलिस्ट करना शुरू करा, एक कंपनी को डायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट था, 10 सीए के नंबर देखे उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया, किसी ने किसको कर दिया, किसी ने किसको कर दिया। ठीक है, मान लो मेरे को 8 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता है। अब हमारा इंस्टीट्यूट देखना कितना तगड़ा है इस मामले में, वो सबसे पहले तो कंपनीज को मौका देता है कि वो शॉर्टलिस्ट करें, उन्होंने कर लिया, उसके बाद मौका देता है सीएस को कि आप 3 से ज्यादा कंपनियों में इंटरव्यू नहीं दे सकते। मैंने पूछा चलिए क्यों नहीं दे सकता, मुझे तो 8 में शॉर्टलिस्ट करना, तो 8ों में दूंगा, क्या दे नहीं सकते? मैंने कहा जी वजह तो बताओ, तो उसने कहा वजह ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे दूसरे सीएस अनएम्प्लॉयड हो जाए। आपने 8 में इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट तो 1 में ही होंगे, या 8ों में सेलेक्ट हो गए, जॉब तो 1 में ही करोगे, फिर वो 7 कंपनियों का वहां तो पोस्ट वैकेंट रहेगी।
और फिर ये हम दोबारा इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, साल में दो बार ही कंडक्ट करा पाते हैं। तो आप तीन कंपनियों में इंटरव्यू दे सकते हो, तीन कंपनियां अब आप शॉर्टलिस्ट कर दो आठ में से। मुझे आठ कंपनियों ने शॉर्टलिस्ट किया, मैंने तीन चूज कर लिए, वन इज ब्रिटानिया, अदर वन इज डाबर एंड थर्ड वन इज बारक्लेक्स, मान लो ठीक है। बाकी पांच कंपनियां मैंने छोड़ दी, फिर वो पांच छह कंपनियां दोबारा चाटती हैं, समझ में आ रहा, शॉर्टलिस्ट करती हैं। हर सीए को मौका मिलता है मैक्सिमम तीन कंपनी में इंटरव्यू दे सकता है, ठीक है। वहां सेलेक्ट हो गया ठीक, नहीं हुआ तो बाहर से जॉब, यानी कि हर 6 महीने के बाद आईसीए खुद जॉब दिलवाता है सीएस को। सेम काम ये दोनों बॉडीज भी करती हैं, आईसीएसए सीएस के लिए और आईसीएमआई सीएमए। अब वो नोट्स और एनसीईआरटी की बात लिखते हैं जो कि गलत है, मैं बता देता हूँ। अब वो ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल बॉडी इस सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करती है, पर बेटा एक सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं करती, क्योंकि जब आप एजुकेशन इसके थ्रू परस्यू कर रहे हो तो इसको एजुकेशन में काफी पैसा मिल चुका होता है, तो वो इस सर्विस के लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसे चार्ज नहीं, जॉब दिलवाएगी भी और सिंगल पैनी भी नहीं लेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आगे बढ़ाए बात को। बाबू 8th 1 पढ़ना क्या लिखा है नोट्स में, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लिखा होगा 8वें नंबर पर, ठीक है। चलो सामने देखो समझो भैया, अगर अभी तक नोट्स नहीं बोले तो अभी भी कोई जरूरत नहीं, आप सामने देखो कोई टेंशन नहीं। बाबू लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज है, हिंदी में बोलो तो ठेकेदार, वर्ड सुना है? सबसे ज्यादा पॉपुलर किस फील्ड में है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है टर्म ठेकेदार। अब सुनना जरा आराम से बाबू, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की ना अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स है, मैंने परसों भी बताया था आईन, इंटरनल की अपनी मेरिट डीमेरिट है मैंने बताया था आईन की, लेकिन कुछ सोर्सेस की ना अपनी खुद की मेरिट और डीमेरिट भी है। जैसे एक्सटर्नल की मेरिट डिमेरिट तो जनरल है, 10 मेथड एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल की मेरिट उन 10 को बताएगी, एक्सटर्नल की डिमेरिट उन 10 को बताएगी। पर वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के कुछ अपने फायदे और नुकसान भी है, थोड़ा सा ये समझ लेता हूँ। क्या फायदा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का, अगर बेटा मुझे बहुत ज्यादा लेबर बड़े शॉर्ट ऑफ नोटिस पे चाहिए तो एक ही इंसान दे सकता है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, और कोई सोर्स पैदा ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं हुआ कोई सोर्स। एक बात बताओ, सरकार कह रही कल डीएलएफ को कि डीएलएफ मुझे ना तुझसे हाईवे कंस्ट्रक्ट कराना है, पर मैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट तभी दे सकती हूँ जब कल तो 3,000 बंदे लेके साइट पे बचेगा। डीएलएफ ने कहा जी मेरे पास टोटल 4,000 एम्प्लॉई है, 4,000 में से 3 तो मेरे पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, ये स्टैंडर्ड फुल टाइम प्रोजेक्ट है, मैं कुछ रेजिडेंशियल सोसाइटीज बना रहा हूँ, कुछ पोर्ट्स बना रहा हूँ, कुछ डैम्स बना रहा हूँ, 3,000 एम्प्लॉई तो पहले लगे हुए हैं, मेरे 1,000 एम्प्लॉई खाली है, तो मेरा तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जब 3,000 एम्प्लॉई लेके पहुंचेगा। मैंने कहा ठीक है मैं पहुंचाऊंगा, मेरे एक बात बताओ, एक दिन में 2,000 एम्प्लॉई चाहिए कहाँ से आएंगे, न्यूज पेपर ऐड कर दो आज चाहिए, बताओ चलो आ भी जाए, कितने एम्प्लॉई न्यूज पेपर बढ़ते हैं सर। मुझे एक टोटली अनस्किल्ड स्टाफ चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ता है वो, ऐसे लो इतनी जल्दी एक दिन में 2,000 एम्प्लॉय, सुबह पता लगा कल सुबह एम्प्लॉय चाहिए। सर एक ही सोर्स है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, इसको पकड़ो लेके आए मिलते। फिलहाल मेरी एक साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मैं देखता हूँ भाई मेरे ठेकेदार ने 10 काम पकड़े हुए हैं, हर साइड पर 10-15 आदमी लगा के बैठा हुआ है, और सिर्फ सहारनपुर में अपना ठेकेदार है, 10-15 मिनट आएगा मेरी साइड पर देखेगा काम क्या हुआ चला जाएगा, दूसरी साइड पर जाएगा, तीसरी साइड पर जाएगा, एक काम लगा रहता है। ठेकेदार का काम करवाने का फायदा मुझे भी है, मुझे दो लेबर नहीं ढूंढनी पड़ती, मुझे लेबर को समझाना नहीं पड़ता आज ये करना वो करना, तो मेरा ठेकेदार देखता सब कुछ। भाई सबसे ज्यादा फेमस तो रियल एस्टेट की फील्ड में ना, समझ में आई बात, बड़े शॉर्ट टर्म नोटिस पे
बहुत ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए, एक ही आदमी दे सकता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर है बात? आगे बढ़ाऊं बात को, वो खत्म नहीं हुई मेरी बात, अभी सुनते जाना। सर और भी कुछ फील्ड में फेमस है क्या? लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो, इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े फेमस है लेबर कॉन्ट्रैक्टर वो। मान लो मैं गया भगवानपुर में एक फैक्ट्री लगाने, ठीक है, मैंने भगवानपुर में एक लैंड खरीदी 200 गज की, छोटी सी फैक्ट्री लगानी थी मैंने। बाबू प्लॉट ऑफ लैंड कंस्ट्रक्ट किया और बेटा एक मशीनरी वायर रखी, ठीक है। मान लो मुझे फैक्ट्री लगानी है डिस्पोजल ग्लास बनाना चाहता हूँ, ये होते ना दोने पत्ते, ठीक है, ये बनाना चाहता हूँ मैं डिस्पोजल ग्लास और दोने वगैरह, ठीक है। बेटा मुझे चाहिए 50 एम्प्लॉइज, ठीक है, उस 200 गज की फैक्ट्री में काम करने के लिए। मैं कहाँ ढूंढूँ उस जंगल में, इंडस्ट्रियल एरिया, आस पास कुछ नहीं है सिर्फ जंगल है, कहाँ ढूंढूँ? बेटा अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में आज प्रैक्टिकली जाकर देखना, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चलते हो आपको ना नंबर मिल जाएंगे, खुद ही लिखे हुए होंगे कहीं दीवारों पे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर नाम नंबर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर नाम नंबर, हर इंडस्ट्रियल एरिया में मिल जाएंगे। मैंने क्या किया, उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर का नाम देखा, अच्छा नाम है मान लो लिखा ललित कुमार, ये फोन नंबर, मैंने फोन मिला कि ललित जी ऐसे ऐसे करके मेरा काम है, मुझे 50 अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है, काम मैं ऐसे लूंगा, आपको बस लेबर को लेके आना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये ललित कुमार कौन है जिसके टच में 50 लोग हैं? बाबू ये ठेकेदार है, ये ना ज्यादातर बिलोंग करते हैं गाँव से, और एक ही गांव के 50 आदमी पकड़े होते हैं इसने, इसका उस गांव में ना थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, होता है ना गांव में ज्यादातर ऐसा होता है, एक दो आदमी का इन्फ्लुएंस इतना होता है कि जिसको जो काम कह देंगे मना नहीं होती उससे, गांव में सारा का सारा सिस्टम ऐसा चलता है, ठीक है ना। एक ही गांव के 50 आदमी पकड़े हुए हैं, कल सुबह लेके भी आ गए मेरे पास। मैंने पूछा जी इनकी सैलरी कैसे रहेगी, कहते देखो बात सुनो, सैलरी आप सबकी मुझे दोगे, मैं बट दूंगा। मैंने कहा अच्छा, मुझसे उसने तय करी सैलरी सबकी मिलाकर 15,000 रुपये एवरेज, सबकी 15,000, 50 मतलब 7.5 लाख, उसे महीने के मुझे 7.5 लाख रुपये मैं उसको पे करूंगा, वो आगे कितने पे करेगा आपका मतलब नहीं है, किसी को 12 पे लाया होगा, किसी को 13 पे, किसी को 14 पे, किसी को 15 पे, किसी को 10 पे भी लाया होगा वो, उसने आपसे तय करी सबकी 15,000, आप सबके 15,000 उसको देते हो, वो बांट दे सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसके डिसएडवांटेज है, जितनी जल्दी जितनी तेजी से वो स्टाफ लाया है ना, अगर आपकी बात भी उतनी तेजी से सारे एक रात में साफ हो जाएंगे। अगर आपकी बात लेबर कॉन्ट्रैक्टर से खराब हो गई ना, अगले दिन 50 में से 1 आदमी नहीं आएगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस लगता है इन 50 के 50 के ऊपर, कभी भी साफ कर देगा। मतलब मेरे साथ तो प्रैक्टिकली हुआ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब मेरे क्लाइंट के साथ मैंने तो खुद ये चीजें ना बड़ी बारीकी से देखी है। एक दिन सुबह सुबह भगवानपुर में एक फैक्ट्री है, मेरे पास काम है, नाम नहीं बोलता फैक्ट्री का, कॉल आती है सर थोड़ा अर्जेंट है, मैं कह रहा आओ यहाँ पर। मैंने कहा भगवानपुर हूँ, कह रहे हाँ सर थोड़ा अर्जेंट है। मैंने कहा ठीक है भाई चलाता हूँ 2 घंटे में, निकला 1.5 घंटे बाद, कुछ कुछ काम था निपटाया, आधे घंटे पहुंच गया। मैंने जी बोला, कहते ये इशू है, इशू उसने बताया प्रिसाइज, मैं आपको बता देता हूँ इशू क्या था। शाम को जब मतलब वो फैक्ट्री 24 घंटे से खुलती थी, उसकी 3 शिफ्ट के अलग अलग लेबर है, ठीक है ना, ठेकेदार एक ही है जिसने लेबर रिक्रूट की हुई है। शाम को बहस हो गई मालिक और ठेकेदार में, मालिक चला गया बहस बूस करके, ठीक है, रात में एनसी बंद कर दी, पूरी रात लेबर को समझा दिया कोई काम नहीं करेगा, किसी ने कोई काम नहीं किया। अगले दिन सुबह फिर बहुत तगड़ी बहस हो गई, तो मेरे को कहता है कि मैं इसके ऊपर मुकदमा डालना चाहता हूँ, कुछ ऐसे करके लीगल मैटर था। मतलब ये समझ के चलो कितना इन्फ्लुएंस है उनका, 50 बंदे भी बोल गए ना एनसी बंद करके, उसने पूरा काम नहीं किया। एक फैक्ट्री में 8 घंटे खराब होना 50 आदमी के, बहुत बड़ी बात है भाई, कितना प्रोडक्शन हो जाता है आप आइडिया नहीं लगा सकते।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज है, ठेकेदार क्या चीज है। ओके बात फटाफट से रीड करके बताना एक बार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। वो एक और है डेडिकेशन 7 नंबर पे, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। नहीं तो अब कई बार ना हम स्टाफ एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे इंप्रूव करते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ फायदे अगेन हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पहली बात बेटा, एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे सिर्फ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ आता है, स्किल्ड कभी नहीं। काम की बात है ये। मान लो मेरा ऑफिस है जिसमें मैं सीए वाला काम करता हूँ अपना, और मेरे पास 5 स्टाफ है, ठीक है। सब सेमी स्किल्ड है, मेरे पास अनस्किल्ड स्टाफ एक भी नहीं है, सब सेमी स्किल्ड है। थोड़ा थोड़ा काम सब जानते हैं, पर बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई नहीं, ठीक है। अब मुझे स्टाफ की जरूरत है एक और, अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है, और वो फ्रेशर भी हो तो चलेगा। तो मैंने अपने 5 स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा भाई है क्या तुम्हारी नज़र में कोई बच्चा जो ग्रेजुएट हो कॉमर्स साइड से, ले आना। तो एक ने बोल दिया जी है, मेरी बुआ का लड़का है, कुछ ये रिश्तेदार है। तो मैंने कहा ठीक है कर लिया यार, मैंने कहा इंटरेस्टेड है जॉब करने के। हाँ मुझे 3 4 बार बोल चुका है, लगवा दे। मैंने कहा ले लो करवा दो। वो आएगा, मैं रैंडमली एक छोटा सा इंटरव्यू बना करूँगा, कहाँ कहाँ से क्वालिफिकेशन करी, क्या क्या किया, ठीक है जी आओ जी कर सकते। वो ऐसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का एक फायदा होता है भाई, नुकसान ये है स्किल्ड पर्सन ऐसे नहीं आते। अगर आप सोचो ना स्किल्ड पर्सन ऐसे बुला लो, वो कभी नहीं ऐसे आते। स्किल्ड पर्सन क्योंकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है तो वही नेचर के साथ आता है, उसको आप ऐसे नहीं बुला सकते कि किसी का ये सब कर गया। तो फायदा क्या होता है, फायदा ही होता है बेटा, ऐसे पर्सन का बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी पता होता है। मैं पहले अपने स्टाफ से कंफर्म कर चुका होता हूँ कि उसने एक्चुअली में पढ़ाई कहाँ की है, ठीक है ना। क्योंकि डिग्री बनवाना बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदुस्तान में, कल को मेरे सामने डिग्री फेंक के मारे चार, मैं नहीं जज कर सकता कि वो लीगल है कि नहीं है। डिग्री बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुना तूने अकाउंटिंग सीखी हुई है फिर, हाँ ये तो सब इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भाई, किसी इंस्टीट्यूट का अकाउंटिंग सीखने का सर्टिफिकेट बनाना बहुत बड़ी बात समझ रहे हो आप। अरे ऐसे चुटकी हो जाओगे मेरे भाई, मुझे कंफर्म होना चाहिए एक्चुअली में उसने काम सीखा हुआ क्या नहीं। ये चीज मैं अपने स्टाफ से पहले ही कंफर्म कर लेता हूँ। दूसरी बात, अगर बेटा एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे मैंने किसी को रिक्रूट किया है और कल को वो आके काम ना करे तो मैं एम्प्लॉय को पकड़ लूंगा। तो निकाला दे, मेरी बात पे रखा, काम नहीं कर रहे तो डिसऑनेस्ट है या ये है ये वो है। ये फायदा होता है एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन स्टाफ आते हैं, समझ रहे हैं क्या। पक्का से पढ़ाई बात हुआ आगे। वो अब 6 नंबर पे एक हेडिंग लिखी गई है, कैंपस रिक्रूटमेंट। ये समझना बेटा, जो मैंने प्लेसमेंट एजेंसीज वाली बात बताई ना, इसको हम प्यार से ना इंस्टीट्यूट के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट ही बोलते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए। और लेकिन ये जो कैंपस रिक्रूटमेंट वाली बात लिखी गई है ना, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स इनके लिए लिखी गई है। थोड़ा सा इस बात को समझो क्या डिफरेंस है। मैं फिर वही बात बोलूंगा, कल आप किसी भी स्कूल में जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप यही देखना चाहते हो कि उनका कितनी कंपनीज के साथ टाई अप है। और आज की तारीख में यूनिवर्सिटी टीवी ऐड करती है ये बात बोल बोल के। एक आपके पास ही यूनिवर्सिटी है फगवाड़ा में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, टीवी ऐड आते हैं भाई साहब, क्या ऐड करते हैं, 600 एकड़ का कैंपस, इंडिया की 1,500 बड़ी कंपनी के साथ टाई अप। पता है 600 एकड़ कितना होता है। मेरे फ्रेंड ने 4 साल बीटेक करी वहां से, कहता घूम नहीं पाया, इतना होता है, ठीक है। 400 एकड़ जगह उन्होंने और के लिए 1,000 एकड़,
और 1,000 एकड़ अलग से मेडिकल के लिए जहाँ वो डॉक्टर तैयार करेंगे। 2,000 एकड़ जरा चाहिए। और आपको पता नहीं है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का इतिहास, जो आदमी है लवली या हलवाई होता था भगवाड़ा का, इसलिए यूनिवर्सिटी बना दी इतनी बड़ी। सर सुनते रहना, अब मैं एक बात बोलता हूँ। सर आपको लगता है ना कि अगर आप कल को यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको लगता है ना यार मेरी कंपनी का कैंपस कितना बड़ा है? क्यों बोला जाता है कैंपस? बेटा कैंपस रिक्रूटमेंट क्यों बोला जाता है? कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? वो इनका 1,500 बड़ी कंपनी के साथ टाई अप है, जो हर साल फरवरी में आएगी इनके कैंपस में और यहाँ से स्टाफ उठाकर लेके जाएगी, बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल यंग ब्लड। मैं समझाने के लिए बात बोलता हूँ, समझ में आ रहा है आराम से। मान लो कल को आप वहाँ से परस्यू करते हो BA LLB, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, BA और LLB दोनों डिग्रियाँ मिलेंगी, 5 साल। ठीक है, क्या होता है आपने 12th करी होगी, आपकी 12th का रिजल्ट मई में आया होगा, नहीं तो देखो मई में आया होगा, आपने एडमिशन लिया होगा जून जून में, आपका पहला सेमेस्टर होगा दिसंबर में, दूसरा होगा मई में, दिसंबर मई दिसंबर मई, हर साल यही होगा, पहला सेमेस्टर दिसंबर, सेकेंड सेमेस्टर मई, फिर दिसंबर, थर्ड सेमेस्टर मई, फोर्थ सेमेस्टर, एक कहानी चल रही होगी। 9 सेमेस्टर दे दिया आपने, 9th सेमेस्टर दिसंबर में ड्यू हुआ होगा और बाबू मई में अभी आपका लास्ट सेमेस्टर 10th सेमेस्टर, 5 साल का कोर्स है, हर साल में 2 सेमेस्टर है। 9 सेमेस्टर दिसंबर तक हो चुके हैं, फरवरी में कंपनी आ गई, क्या आपके हाथ में LLB की डिग्री है? अभी नहीं, अभी तो मई में पेपर होने हैं, पर फरवरी में ही कंपनी आ जाती है, हर कॉलेज में आती है, हर यूनिवर्सिटी में आती है। क्या करेंगी ये? बहुत सारे राउंड कंडक्ट करेंगी और यहीं से सिलेक्शन कर देंगी। ये बात आपने स्टेप 3 गेट में भी देखी हो, डिग्री पूरी होने से पहले आपके हाथ में जॉब होती है, ये कैंपस रिक्रूटमेंट का फायदा है। मेरा कजन का सिलेक्शन IIT से हुआ था, सेम बेसिस पे, सैमसंग गई थी IIT में, ठीक है, वो बीटेक कर रहा था, उसका एक सेमेस्टर ड्यू था, अभी फरवरी चल रही थी, मई में उसके एग्जाम थे, एक सेमेस्टर के लास्ट सेमेस्टर, 4 साल की बीटेक है। तो उसने घर नहीं बताया कैसे करके कंपनी आएंगे, वो शहर बहुत था, ऐसा था उनके स्कूल में, मतलब और उनके IIT के कैंपस में, कि सुबह सैमसंग एक राउंड कंडक्ट करती थी टेस्ट का, उसका रिजल्ट शाम को लगता था, जो पास होते थे वो शाम को दूसरा राउंड देते थे, उसका रिजल्ट सुबह लगता था, जिसमें पास होते थे वो शाम को बैठते थे, 8 एग्जाम थे सुबह शाम सुबह शाम, साथ उसने क्लियर कर लिए लास्ट उसमें बैठने लगा था, तो उसने घर कॉल करके बताया जी सैमसंग ने 7 राउंड में मुझे पास कर दिया, ऐसे राउंड निकलेगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि उसका एक राउंड भी निकल गया, सैमसंग उसको तुरंत ले गए, जॉब मेरी 6 महीने या 6 महीने कोरिया, सैमसंग कोरिया की कंपनी है, तो सैमसंग ने उसको जॉब ऐसे ऑफर करी कि आप 6 महीने डीआर होंगे, 6 महीने कोरिया होंगे, ठीक है ना, हम आपको प्रिपरेशन ली और एग्जाम ले देंगे महीने, फरवरी में ही ले गई थी, फरवरी में ही जॉब शुरू करानी थी उसकी। सर ये कैंपस रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है बेटा बात? कैंपस समझना। अब सुनो, आई से आए जो भी नौकरियां देता है ना, आई से के एंटर से इसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोला जाता है, पर बाबू कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तो कैंपस कहीं कहीं एकड़ के, मैंने भी एग्जांपल दिया, आई से का कैंपस प्राइवेट से कैंपस नहीं होता, पता है आई से की सहारनपुर में ब्रांच कितनी बड़ी है? पहले इतनी बड़ी थी, कितना बड़ा ये हो गया बस, इसको क्या बोलोगे ऐसा का कैंपस है, इसलिए लोग इसको कैंपस रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं करते, इसलिए इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोला जाता है, पर CS इसको अपनी भाषा में कैंपस रिक्रूटमेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको सारी बात पक्का से? अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट से स्टाफ रिक्रूट करने का कोई फायदा है कि नहीं? क्या फायदा? कुछ लग रहा फायदा? तो मैं
फायदा बता देता हूँ, पता नहीं आप फील कर रहे हो कि नहीं। सर सबसे बड़ा फायदा यह है, यंग ब्लड आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या अगर आपने 5 साल की डिग्री ली है, 12th के बाद 23 साल के होंगे, 18 के लोग 12th में होते हैं, 22 23 के होंगे। अगर एक यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है ना, पूरा ऑरा बदल के रख देता है। कभी देखा है सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का डिफरेंस? सरकारी बैंक में चले जाओ, ज्यादातर स्टाफ मिलेगा 40 45 50 ऐसा। प्राइवेट बैंक में चले जाओ, 25 30 साल के यंग लड़के यंग लड़कियां। सर ऑरा बदल के रख देते हैं यंग लड्स। एक तो काम करने का जुनून बहुत होता है, कमाने का जुनून बहुत होता है एक एज में, ठीक है ना। एक एज के बाद ये जुनून खत्म हो जाता है। अब मैं कहूँ 45 के बाद आप देख लो, लोगों के जुनून ठंडे पड़ चुके होते हैं कमाने के भी जीने के भी। लेकिन 23 साल में जुनून कैसा होगा आप समझ सकते हो। तो कैंपस रिक्रूटमेंट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए प्रेफर करती हैं कि वो यंग ब्लड उठा के लाएंगे, और एक यंग ब्लड आता है ना, 10 को मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ? चलो जी, अब दो बातें बची हैं, एक पहली और एक आखिरी। सबसे पहले 10th पढ़ते हैं, वेब पब्लिशिंग। बेटा आज की तारीख में कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको जॉब दिलवाने का काम करती हैं, जैसे कि शादी डॉट कॉम, मैट्रिमोनियल डॉट कॉम, नौकरियां दिलवाती हैं। सर अपार्ट फ्रॉम जॉब्स, नौकरी डॉट कॉम, जॉब स्ट्रीट डॉट कॉम, मॉन्स्टर डॉट कॉम, बाबू ये ऐसी वेबसाइट्स हैं कि आप इनके ऊपर एनरोल करो। इनका भी टाई अप बहुत सारे एम्प्लॉयर के साथ होता है। जब भी एम्प्लॉयर को जरूरत पड़ती है, अगर आप उस जॉब पोजीशन में ठीक बैठते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास खुद ही मेल और बाबू कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। आपको सिर्फ अपनी पूरी डिटेल डालकर यहाँ पर एनरोल करना है। ये क्या करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ डेटा शेयर करेंगे, ठीक है ना। कई बार आपकी प्रोफाइल पे विजिट करने के लिए पैसे चार्ज करते हैं, कई बार आप एम्प्लॉयर की डिटेल पे विजिट करना चाहते हो तो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। यानी कि काम वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी वाला ही करते हैं, पर ये करते वेबसाइट के थ्रू हैं। अगर आज की तारीख में आप देखो, कोई वेबसाइट है मानो शादी डॉट कॉम, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए थोड़े से पैसे, प्रोफाइल को और लड़कियों से आपकी एरिया में शेयर करने के लिए अलग पैसे। आजकल तो कमाने शुरू हो गए ना शादी डॉट कॉम, इनिशियली फ्री होता था, सेम काम नौकरी डॉट कॉम ने किया। शुरू में फ्री होता था, एनरोल कर लो फ्री में, नौकरियां दिलवाएंगे ये वो, अब सब पेड है, कमाई का जरिया भी है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब आ जाओ फर्स्ट हेडिंग पर। बाबू हेडिंग का नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो नाम से बहुत कुछ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट समझते हैं। बाबू कई बार आपने देखा है, आप किसी दुकान पे गए और एक दुकानदार ने एक प्लेन प्रिंट आउट चिपका रखा है, 10वीं या 12वीं पास सेल्समैन या सेल्स गर्ल की आवश्यकता है, बस इतना ही लिखा हुआ है प्रिंट आउट पे। आपको पता है क्या है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मैं कई बार देखता हूँ ऐसा, जिनको भी सेल्समैन सेल्स गर्ल की आवश्यकता होती है, दुकानों पे चिपका रखे होते हैं नोटिस बोर्डों में, ठीक है ना, या अपने गले के पीछे चिपका रखे होते हैं, या मेडिकल स्टोर वालों ने चिपका रखे होते हैं सेल्समैन चाहिए। अब यही काम इंडस्ट्रीज में कैसा होता है बेटा, फैक्ट्री गेट पे चिपका देते हैं प्लेन प्रिंट आउट। उनको पता है कि ऐसा करने से उनको सिर्फ एक अनस्किल्ड स्टाफ मिलेगा, स्किल्ड स्टाफ कभी नहीं मिलेगा, स्किल्ड पर्सन ऐसे नहीं आता नौकरियां ढूंढने फैक्ट्री गेट के बाहर। सिर्फ अनस्किल्ड स्टाफ मिलेगा पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करते हो, उसी प्रिंट आउट पे लिख देते हो कि हम इस दिन सिलेक्शन करने वाले हैं। जिस जिसको भी नौकरी की जरूरत होता है आ जाता है भाई उस दिन। आप क्या करते हो, एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। अब आपको लग रहा होगा यार इंटरव्यू तो स्किल्ड आदमी का होना चाहिए, यार मुझे नहीं पता आप इंटरव्यू वर्ड से क्या समझते हो। इंटरव्यू का मतलब पता है क्या होता है, कोई बताओ इंटरव्यू का मतलब क्या होता है?
इंटरव्यू का मतलब होता है फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, किसी भी मुद्दे में इन डेप्थ कन्वर्सेशन करना इस इंटरव्यू। मुझे नहीं पता आपने इंटरव्यू का कभी मतलब भी जानने की कोशिश की कि नहीं। इंटरव्यू का मतलब बेइज्जती करना नहीं होता, किसी मुद्दे पे डिटेल डिस्कशन करने को इंटरव्यू बोलते हैं, समझ में। और इंडिया में ना नियरली फॉर ऑल द जॉब इंटरव्यू इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस। कोई भी जॉब बिना इंटरव्यू के नहीं जाती, वो बात अलग है। अनस्किल्ड आदमी से आप क्वेश्चन क्या करोगे, कहाँ रहते हो? ये उसने बताया जी पास के गाँव में रहता हूँ। अच्छा आधार कार्ड है? और इसमें क्योंकि नौकरी दो में बिना आधार कार्ड के पता लगे, आतंकवादी आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको क्या पता? आप मेरा जी बिल्कुल है, मेरा जी ठीक है, आओ कल से काम शुरू करना। बस ये होता है इंटरव्यू अनस्किल्ड आदमी का। समझ में आ रहा है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कैसे होती है? ठीक है, एक बात और सुनिए, बहुत जो आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयज सेलेक्ट करते हो ना, ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते आपके। ज़्यादातर बेटा क्या होता है, आपके परमानेंट एम्प्लॉयज अलग होते हैं या आपके टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होते हैं, जिनसे आप 2 3 महीने काम निकलवा के छोड़ दोगे, निकाल दोगे। जैसे कि आपकी कंपनी क्रैकर्स बनाती है पटाखे, ऑब्वियसली शहर के अंदर तो फैक्ट्री नहीं हो सकती क्रैकर्स की, शहर के आउटस्कर्ट में पड़े हुए, ठीक है। 50 एम्प्लॉई परमानेंट है, क्योंकि बाबू कुछ काम ऐसा होता है जो आपका पूरे साल चलता है। जो शादियों में आतिश शादी आप देखते हो, काम तो पूरे साल का है। कुछ बाबू फॉरन में जो पार्टीज हैं, पूरे साल काम है आपके पास। और दिवाली के आसपास आपको ज़्यादा स्टाफ चाहिए, ताकि आप और लोगों की डिमांड भी पूरी कर पाओ। तो आपने क्या किया, 100 एम्प्लॉई टेम्परेरी रखे 3 महीने पहले। जैसे दिवाली सीजन आएगा, 100 के 100 को बाहर निकाल दोगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अनस्किल्ड आदमी आएगा, ये तो बात समझ में आती है। ये भी समझ लो टेम्परेरी एम्प्लॉई आता है ज्यादातर, परमानेंट स्टाफ आप नहीं रखते डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। समझ में आ रही है बात? अब वो मैंने ना कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो नोट्स में आपको कभी नहीं मिलेंगी। अगर मेरी सुनी है तो ऐसा कोई केस स्टडी पैदा नहीं हुई जो आप कर नहीं पाओगे, और नहीं सुनी फिर कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, कल आएंगे, मैरिट्स डीमैरिट डिस्कस करेंगे और रिक्रूटमेंट को विराम दे देंगे। मैंने जितना बताया था उतना टाइम लगेगा, कल सिलेक्शन शुरू हो जाएगा, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले ही। बाय।